इसका जिक्र करना पड़ेगा, अपर्णा फिर से जिक्र करना पड़ रहा है, 332 सीटें आपने फाइनल सर्वे में दे दी। पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, कांग्रेस को बता देता है, ठीक है। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल है, बार बार ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल आ रहा है और बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिल सकती है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को 0 से 3 सीटों के बीच का अनुमान है। रवि सक्सेना जी हालांकि इस पर भी नाराज ही होंगे, लेकिन देखिए ये अनुमान है, 4 तारीख को तस्वीर होगी, मिशन 29 को लेकर चली थी बीजेपी, लेकिन यहाँ पर 0 से 3 पर कांग्रेस आ सकती है, 16 सीटों पर जीत का दावा छत्तीसगढ़ के लिए, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की, छत्तीसगढ़ का क्या है, बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती है, यानी कि पिछला क्या रिपीट हो जाएगा, कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान है, पिछला भी कुछ यही था 9 और 2 का था। न्यूज 18 का ये एग्जिट पोल है, हैशटैग न्यूज 18 एग्जिट पोल, बार बार हम ये कह रहे हैं एग्जिट पोल है, अनुमान है, लोगों से बातचीत की, लोगों ने क्या कहा उसको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों का डेटा आ गया जी। दुर्गेश केसवानी जी देखिए अब यहां तो ये बात हो जाएगी ना कि जिसके हक की बात निकलकर सामने आती है वो मुस्कुराएगा, वो मुस्कुराता है, गदगद हो जाता है और दूसरा मीडिया पर आक्षेप आरोप लगाने लगता है, लेकिन खैर इससे परे होकर केसवानी जी एमपी की अगर हम बात कर लेते हैं, एमपी को लेकर जो आपका ये एग्जिट पोल तस्वीर बता रहा है, यहां भी मोदी मैजिक ही चला है क्या, अगर ऐसा होता है तो? सबसे पहले तो मैं जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं उनका सम्मान करता हूं, और निश्चित ही आप देखेंगे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, जो हमारे ये टैगलाइन थी, ये स्लोगन था हमारा, उसको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हम 23 की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया, और अभी आप 26 से 29 बता रही हैं, हम 29 पे ही रुकेंगे, क्योंकि हमने जनता 24/7 365 दिन 500 साल जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और जब हम जनता के साथ रहते हैं, जनता हमें लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद देने का काम करती है, और हम इस बार मिशन 29 को लेकर जनता के बीच में थे, हम निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच में थे, और जनता ने हमें निश्चित ही आप देखेंगे कैसे हमें विधानसभा चुनाव में जो एक एक, एक बड़ा मैंडेट दिया, इस बार भी पूरा देश में हमें बहुत बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, जो पुराने हमारे आंकड़े हैं जो आप दिखा रहे हैं हम उनको भी ध्वस्त करते और आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी पिछला जो है वो रिपीट होता नजर आ रहा है, 9 से 11 सीटें आपको बताई जा रही हैं, आप तो कह देंगे कि 11 की 11 ही जीत रहे हैं हम, लेकिन कांग्रेस को भी 0 से 2 बताया जा रहा है, 2 सीट कांग्रेस भी ले जा सकती है, यही हो चुकी है, मुझे लगता है कि कहीं कांग्रेस का कहीं देश में कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ अपर्णा जी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम की इच्छा कैसे कर सकते हैं, आज अगर अगर यहाँ पे रवि भाई हमारे बैठ के आपको जो कोसने का काम कर रहे हैं, इन्होंने पूरे समय पूरे चुनाव को आरोप आलोचना और कोसने में निकाल दिया, ये ट्विटर और फेसबुक पर होकर चुनाव लड़ रहे थे, इसके विपरीत हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व चट्टान के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ। केसवानी जी आप ही की बात पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपकी बात को, कि वो सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ रहे थे और आप जमीन पर कार्यकर्ता उनके खिसका रहे थे, हर एक बूथ के हिसाब से कैलकुलेशन आपकी ऑन थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से एग्जिट लगातार एग्जिट हो रहे थे। देखिए निश्चित रूप से वो इसका कारण ये है कि इनके न तो नेता है, न नीति है, न नियत है, जब इन तीनों चीजों की अगर आपके पास कमी है, आपके पास नहीं है, आज का कार्यकर्ता इनसे विमुख हो गए। इसमें जोड़ूंगा मैं, नेता नहीं होता और नीति नहीं होती और नियत नहीं होती तो फिर यहां से क्यों लेके आते हैं आप, खूब आपने खींचा है लाखों में, नेता नहीं होता तो ये क्या आपने क्या भर लिया, अपने दल में क्या भर लिया, फिर वापस बात शुरुआत के पहले फेज तक पहुंच जाएगी, कचरे तक। नहीं नहीं देखिए हमने जो कार्यकर्ता आए उनका स्वागत किया, और प्रत्येक कार्य हमारे 64,523 बूथों पर कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग हुई है, बूथ पे जब कार्यकर्ता ज्वाइन करता है तो वो भाजपा की विचारधारा, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जब वो विचारधारा को फॉलो करता है तो
तो उसने भी अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा की, हमारे कार्यकर्ताओं की परिश्रम की प्रकाष्ठा, हमारी जन कल्याण की नीति, हमारी राष्ट्रीय का जो जन कल्याण की नीति है, और हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है जो 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 देश को उस विकसित देशों की श्रेणी में ला। खबर अभी हमने अभी 2-3 दिन पहले ही प्रहलाद पटेल साहब जो हैं उनके यहाँ नीम के पेड़ पर आम उग रहे हैं, आपको भी पता होगा केसवानी साहब, मैं उस पर आऊंगा इस वक्त मान ले उसका आगे आकर स्पष्ट होना आवश्यक ये है, समय बचा है उसमें, तो इसमें डिबेट होना भी चाहिए। बहुत सारे अभ्यास, बहुत सारा प्रयास सब लोगों ने किया है, उस विषय पर चर्चा होने से कोई दिक्कत नहीं है, भाग तो लेना ही चाहिए। सर बैठक में ये भी कहा गया है खड़गे जी द्वारा, बाकी नेताओं द्वारा इंडी गठबंधन के, कि 295 ज्यादा सीट इंडी गठबंधन। चलिए उस पर क्यों सब समय खराब करें, स्पष्टता होगी, बस 4 दिनों का विषय है। हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ जी। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए, और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं, और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। और उनके जो अभी तक के अनुभव हैं, उनका जो रिसर्च है, वो जो अनुभव जब शेयर करते हैं तो हम सब का भी मनोबल के साथ साथ एक नई दिशा मिलती है कि हमें हमारी सरकार को जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़, समृद्धशाली छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो भारत को, हिंदुस्तान को जो विकसित भारत बनाने के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा ही नहीं बल्कि जो उनकी जो कल्पना है उसे साकार कैसे कर सकते हैं, और 2047 तक हमारा जो देश है, देश में हमारा छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन क्या होगा जी। ये सब जब चर्चाएं हो रही हैं तो हम सब के सामने वो सब दिखाई दे रहा है कि हमें सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो कर सकते हैं जी। वो सभी क्षेत्रों में ये सब काम करने के लिए हमारे पास समय भी है, आज साधन भी है, और इस तरफ से तमाम सारे लोगों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उस आधार पे बहुत सारे ज्ञान मिल रहा है। सर आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान है, भाजपा इसे किस तरह देख रही है सर, अब 4 जून को सीधा रिजल्ट आएंगे। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनका जो नेतृत्व रहा, उनके करते तो उनका व्यक्तित्व रहा, और देश को जिन्होंने जिस ऊंचाई पे पहुंचाने का जो काम किया है जी। देश की जनता फिर से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रही है, और जो नारा है निश्चित ही वहां तक हम अचीव करेंगे, पहुंचेंगे। सर थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल आएगा, इंडिया गठबंधन है उन्होंने पहले एग्जिट पोल में को लेकर डिबेट में बैठने से मना कर दिया था, अब वो डिबेट में बैठने के लिए तैयार है, इसको किस तरह देख रहे हैं? अब देखिए ये संत के सुल्तान लोग हैं, कब इनके मुखारविंद से क्या निकलेगा, क्या चीज निर्णय करेंगे, क्या चीज। तो प्रतिक्रिया जो है वो लगातार आपने सुनी, और हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा जारी रखने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल जो है उसमें 181 सीटें, जी हाँ, कुल देश भर की 543 में से 181 सीटों का अनुमान सामने आ चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ का अनुमान आ गया है, मध्य प्रदेश का आ गया है, उत्तर प्रदेश के पहले 3 फेज का आ गया है, बिहार के पहले 3 फेज का आ गया है, और इन सब अनुमानों पर
हम जो हैं वो चर्चा भी कर रहे हैं लगातार, खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर जरा देख लीजिए, इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर ललित, और सीधे मध्य प्रदेश सदन में हम आपको ले आए हैं। मध्य प्रदेश में मेगा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, कुल सीट 29 एनडीए के खाते में, 26 से 29। जिस तरह की स्थितियां पहले थी, इंडिया के खाते में 0 से 3, 3 तक इंडिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है